नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सबका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा जिले में सावली से ये खबर सामने आई है। सावली में जो नगर हिंदू संगठन है उनकी ओर से एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, उनकी ओर से दिल्ली विधानसभा में अभी कुछ ही दिनों पहले द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर एक बयान दिया गया था। इस बयान के सामने हिंदू संगठनों की ओर से उनके विरोध में सुर देखे गए हैं। पूरे भारत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी तरह सावली में भी आज विरोध प्रदर्शन हुआ था और उसमें हिंदू संगठनों की ओर से अरविंद केजरीवाल को अपना बयान वापस लेने और साथ ही में इस बयान पर माफ़ी मांगने की मांग की गई। सावली में जो हिंदू संगठन है उनकी ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया गया था। दामजी के जो जगह है वहाँ पर ये आयोजन किया गया था और हिंदू संगठनों में जो अरविंद केजरीवाल है उनके खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला। आते बे दिवस पहला जो विधानसभा अंदर द कश्मीर फाइल्स मूवी जो हिंदुत्व पर बनावामां आवी छे, ए मूवी पर अरविंद केजरीवाल द्वारा जो टिप्पणी करवामां आवी छे ते सख्त खोटी छे अने वारंवार अवारनवार आवी हिंदुत्व पर खराब रीते बोलवामां आवे छे अने हिंदु समाज वारंवार आवी टिप्पणी स्वीकारी नहीं ले तेनो जवाब अमे सावलीनी अंदर एमनुं पुतळुं सरगावी आप्यो छे अने जो भविष्यमां तेओ माफी नहीं मांगे तो मोटामां मोटुं आंदोलन थाय तेवी पण संभावना रहेली छे। जूनागढ़ के केशोद से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था। दरअसल छात्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन हेतु रोटरी क्लब की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया जिसमें केशोद नगर निगम ने भी अपना सहकार दिया था। आपको बता दें कि केशोद नगर पालिका के प्रमुख लाभूबेन पीपलिया ने इस साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई थी और करीबन 250 से ज़्यादा छात्र इस साइक्लोथॉन का हिस्सा बने थे। हेलो हेलो हेलो, माना मोटा कृषक। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 दिन हीट वेव बताई जा रही है। तब खास तौर पर बेजुबान जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तब ये तस्वीरें जो आ रही है वो गुजरात के सासणगीर से आ रही है। सासणगीर में खास तौर पर शेर समेत के जो जंगली जानवर है उन्हें भीषण गर्मी से और प्यास से बचाने के लिए विभिन्न जगहों पर वाटर पॉइंट बनाए जा रहे हैं और साथ ही में विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे सुरक्षा के साथ इन जंगली जानवरों को गर्मी से बचाया जा सके। तब पूरे सासणगीर में जो शेर समेत के विभिन्न जंगली जानवर है उनके लिए किस तरह से गर्मी में बचने के लिए पानी समेत की व्यवस्था की जा रही है ये पूरी जानकारी सासणगीर प्राणी संग्रहालय के जो इंचार्ज हैं उनकी ओर से दी गई थी। गीर विस्तार में अत्यारे जो आपने जोईए कि उनाळानी शुरुआत थई रही छे अने एक मैनेजमेंट ने भाग में एक मेथोनो जो भाग छे ये वन्य प्राणी माटे पानी नी व्यवस्था नो छे। अपने पानी नी व्यवस्था में जोईए तो वाटर पॉइंट मैनेजमेंट छे। वाटर पॉइंट मैनेजमेंट में वाटर पॉइंट ने केव रीते भरव जो वाटर पॉइंट ना जो आखो जो सेटअप है अमे शू शू होव जीए। सेटअप में अपने बात करिए तो एक सोसर टाइप नो या बड़े टाइप नो वाटर पॉइंट हो बाजू में एक मानणो पण थई सके। मानणो जो कि साबर छे जंगली गुण छे एने माटे बहु महत्वनो छे तो एने पण अमे एक व्यवस्था करीए छे। आने साथ साथ वाटर पॉइंट पे 2 कोथला मूकीए छे, अर्धो पानी में डीप होय अर्धो बहार होय। कोथला नो महत्व एवं छे कि घणी बधी आपणे इन्सेक्ट नी डायवर्सिटी होय आने पण पाणी जोतो होय ए कोथला पर बेसीने एने पाणी लई जाय सके छे अने पाणी जे पण आनी जरूरियात होय ए पण आमांथी पूरतो करी सके छे। आने बाजू में सॉल्ट लीक पण मुकाई शकाय ज्यां जरूरियात होय ज्यां नेचरली सॉल्ट अवेलेबल छे त्यांनी जरूरियात रहती नथी त्यांने मूकवानी कोई जरूरियात नथी वॉटर पॉइंट पर। बीजू हो कि वॉटर पॉइंट में केवी रीते भरीए छे आखे लैंडस्केप में पहले तो सोलर सीस्टम वधारे वधारे अमे सोलर सीस्टम नो यूज करिए ज्यारे लाइट आ ये चालू थई जाय ज्यारे लाइट पड़ जाए तो ये बंद थई जाय ऑटोमेटिक वॉटर पॉइंट भरतो रहे आखे दिवस में पानी में एक नानो मोटर होय तो एटलो ज पानी नी जरूरियात होय ने एटले मुजब पानी
આપને પૂરતો થઈ શકે. બીજું છે વિન્ડમિલનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ જ્યાં સોલરની વ્યવસ્થા ના થઈ શકે. ત્રીજું વોટર ટેન્કરથી પણ ભરીએ છીએ, જ્યાં કોઈ પણ બીજી વ્યવસ્થા ના થાય તો ટેન્કરથી પણ ભરીએ છીએ. એવી જ રીતે એક હોલિસ્ટિક વોટર મેનેજમેન્ટનું જે આપણે આખે ગીરમાં આપણે પ્લાન કરીને આપણે તૈયારી કરી છે, અને બધા જે વોટર છે વોટર પોઈન્ટ છે અમે એક સાથે નથી ભરતા, સ્ટેજડ મેનરમાં. પહેલા પોઈન્ટમાં જેવું કે આપણે 50 જોઈએ, 100 જોઈએ, 150 જોઈએ, અને મુજબ ફિર બીજી સ્ટેજ, ફિર ત્રીજી સ્ટેજ, એવી રીતે આખો મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ. આખે જો ગીર લેન્ડસ્કેપ છે, આખી જો સ્ટાફ છે એને ધ્યાન રાખીને. रास्तों पर घूमते आवारा पशु और खास तौर पर कहे तो आवारा गायों की वजह से लगातार कई घटनाएं, कई दुर्घटनाएं सामने आ रही है. वैसी ही एक दुर्घटना बड़ौदा शहर के पास कोयली गांव में हुई है. ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोयली गांव की है. कोयली गांव में खेत में काम कर रही दो महिलाओं पर आवारा गाय ने हमला कर दिया. उनका आतंक देखने को मिला जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई. इस महिला को करीबन 32 टांके लेने पड़े. आपको बता दें कि कोयली में लगातार आवारा पशुओं का आतंक बीते कई महीनों से जारी है और कोयली के जो प्रजा हैं उनकी ओर से लगातार पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत को इसके बारे में इत्तला दी गई है, पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है. तब एक और जो आवारा जानवर का आतंक है उसका एक और किस्सा सामने आया है और उसमें दो महिलाएं इसकी शिकार हुई है जिसमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. સિંગો પારતા મને ગાય નહાડી તે પાછી આવીને મને બે ત્રણ ભેઠવા મારી લીધા. મને પેટમાં મારી લીધું, પાછળથી કેળો માર લીધું. અને મારા કાકીને પણ ટોકા આવ્યા, 22-23 ટોકા આવ્યા એમને. હજુ એમને 20-25 હજાર ખર્ચો છે. મને તો અહીં પેટમાં ને પાછળ માર્યું. મને સિંગડી વિંગડી વાગી નહીં, પણ મારા કાકીને તો કેટલું બધું વાગ્યું, પણ કોઈ કશું કાર્યવાહી કરતું નહીં. તો આવું અમારે બીતું બીતું કેટલા દિવસથી ખેતમ જવાનું. અને અંદર આવીને ઝોપો ખુલ્લો તો અંદર આવીને મેં પાછી નહાડી. પાછી ઉમી તો જતી રહેશે, પાછી વરીને મને એને પાડી દીધી. અને આમ ખેતરના ખૂના હરતે જ માર માર કરે. તો ફેન્સિંગ હતી તો હું નીકળી નાઠી, ના હોત તો મને મારી નાખત થઈ નહીં. તો કોઈ છોડાવનારું નહોતું, એ તો જાતે જીવ બચાવીને નાઠી. ખબરો કા સિલસિલા યુ હી જારી રહેગા, પર ઉસસે પહેલે લેંગે કમર્શિયલ બ્રેક. તો દેખતે રહીએ બીઆરજી ન્યૂઝ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है बीआरजी बजट स्टे. बीआरजी बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फीथिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए बीआरजी बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. कॉन्टैक्ट नंबर 9586477777. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. इन दिनों पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तब विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. तब ये जो तस्वीरें हैं वो गुजरात के बड़ौदा से सामने आई है, जहां पर ब्रह्म कुमारीज और बड़ौदा ट्रैफिक शाखा की ओर से एक बाइक रैली आयोजित की गई थी. दरअसल ये बाइक रैली बड़ौदा शहर में ट्रैफिक नियमन और ट्रैफिक से जुड़े नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली आयोजित की गई थी. ये रैली जब झांसी की रानी सर्कल पर पहुंची तब वहां के स्थानिक कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे समेत पूर्व कॉरपोरेटर राजेश आयरे, पूर्व कॉरपोरेटर पूर्णिमा बिन आयरे समेत के कई आगेवान वहां पर मौजूद रहे और ये बाइक रैली का भव्य स्वागत किया गया था. दरअसल ये रैली जो सड़क सुरक्षा और सड़क के ट्रैफिक के जो नियमन के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित की गई थी, तब ये सराहनीय प्रयास करने के लिए ब्रह्म कुमारीज और बड़ौदा ट्रैफिक शाखा
को वहाँ के जो कॉरपोरेटर है और पूर्व कॉरपोरेटर समेत के जो आगेवान है उनकी ओर से बधाइयाँ दी गई थी। सड़क सुरक्षा योजना तेमज आजना दिवसे ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा अने तेमनी संस्था द्वारा आजना दिवसे अहीं सड़क नी रेली निकळवामां आवी छे। जे आ युवान जे युवा पेढ़ी छे जे अत्यारे सतत ड्राइविंग बहु खराब करी रह्या छे अने तेना लीधे रोड पर बनता बनावना लीधे आजना दिवसे लोकोनी अंदर प्रेरणारूप बनवा माटे ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा डोर टू डोर यात्रा काढवामां आवी छे, एक महायात्रा काढवामां आवी छे। तमे जोई रह्या छो कि मोटी संख्यामां लोको अहीं हाजरी आपीने लोको प्रेरित थाय, ट्राफिकना नियमोने पालन करे ते माटे ज आजना दिवसे ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा आजनो एक रेली स्वरूप यात्रा काढवामां आवी छे। करीने भारत भरनी अंदर જ્યારે પણ કોઈ શાંતિનો મેસેજ આપવાનો હોય, કોઈ એક દેશ માટે સારો મેસેજ હોય, ત્યારે હંમેશા પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી હંમેશા આશીર્વાદ મળતા હોય છે। આજે સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં અને એમાં પણ અલકાપુરી ઝોનના અમારા નિરંજનાબેન દીદી અને એમના આશીર્વાદથી નરેન્દ્રભાઈ અમારા વિસ્તારના જે અમારા કેન્દ્ર ચલાવતા પુષ્પા દીદી સાથે સાથે અમારા શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય વિજયભાઈ શ્રીરંગ આયરે દીપકભાઈ ગોર પૂર્ણિમા સાથે આ વિસ્તારના સૌ લોકો દ્વારા તમે અને સમગ્ર શ્રેષ્ઠજન પરિવાર એની સી ટીમ સાથે સાથે ટ્રાફિક શાખા, કારણ કે મુખ્ય હેતુ છે કે આપણે કારણ કે એક્સિડન્ટ થશે ત્યારે ખબર નહીં પડે કોણ હશે, આપણે બી હોઈશું, આપણા ઘરના પણ હશે, આપણા મિત્ર પણ હોય છે, એટલે સુરક્ષા ખૂબ જરૂરી છે અને એની અંદર કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ એના અવેરનેસ માટે આ એક રેલીનું આયોજન કરેલું છે। હું પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી અને એમના સમગ્ર પરિવારને આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું અને અહીંયા ઝાંસી રાણી ખાતે આજે એમનું સ્વાગત કરવામાં આવેલું હતું। વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય। બહોત મહત્વપૂર્ણ રેલી હૈ જો કે સ્વયં કી સુરક્ષા કરના આજ કે સમય મે બહોત જરૂરી હૈ ઓર સ્વયં કી સુરક્ષા કે સાથ સાથ પાંચ વિકારો કી સુરક્ષા જબ હો જાતી અપને આપ સે આત્મા સ્વયં અપને આપ સે આત્મિક સ્થિતિ મે સુરક્ષિત હો જાતી હૈ, શાંતિ ઓર સુખ મે જીવન જીના સીખ જાતી હૈ, તો વો ટુ વ્હીલર હો યા ફોર વ્હીલર હો, जन की सुरक्षा, घर की सुरक्षा और इस टाइप की सुरक्षा जब हम जीना सीख जाते तो परिवार की सुरक्षा भी हो जाती है। ये रैली का जो व्यवस्था हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अलकापुरी सेंटर की तरफ से सारे इस बड़ौदा के विस्तार में किया गया है, जिसमें कि मुख्य योगदान हमारे राजेश भाई और श्री रंग भाई के द्वारा हुआ है। इस तरह से ये बहुत विश्व सेवा का कार्य, समाज सेवा का कार्य करते हैं और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर समय एक पारिवारिक नाते, एक हर समय हमारे अंग संग सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये मैं बहुत समय से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, ये ईश्वरीय कार्य है और ये बहुत प्यार से आध्यात्मिक रीति से इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। बहुत एक श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा ने एक बनाया है जो कि एक एक आत्माओं के दिल में घुसकर स्थिर होकर इन्होंने बहुत अपना पुण्य का खाता जमा किया है और बस मेरी यही शुभ भावना है सदा आगे बढ़ते रहे और इस ईश्वरी परिवार में ये सदा जुड़े रहे। ओम शांति, ओम शांति। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ब्रह्मा कुमारी पुष्पलता दीदी है, पुष्पलता बहन है और इस ईश्वरी सेवा को मैं भी अलकापुरी केंद्र यहाँ मुंजल पार्क में हमारा सेंटर चलता है जो कि ये कार्य बहुत सुव्यवस्थित बड़ों के हमारी निरंजना दीदी है, हमारे नरेंद्र भाई, राजेश भाई के कर कमलों के द्वारा हर सेवा बड़े व्यवस्थित रूप से होती रहती है। मैं भी इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ती जाती हूँ, यही मेरी शुभ इच्छा है, शुभकामना है। ओम। रैली है वो निकली हुई है, एक तो है कि देश की सुरक्षा, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ में सड़क सुरक्षा जुड़ी हुई है, इसलिए कि सड़क सुरक्षा इसलिए ज़रूरी पड़ती है क्योंकि आजकल के समय में जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो कहते हैं कि बीमारियों से ज़्यादा तो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें हमारा युवा धन जो है वो सारा ही बर्बाद हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या तो फिर डिसेबल हो जाता है, इसीलिए हमने ये सड़क सुरक्षा रैली निकाली है और उसके अंदर में बड़ौदा की ट्रैफिक शाखा और बड़ौदा की जो सी टीम है, महिला पुलिस है, वो भी जुड़ी हुई है, उनका भी आपने देखा होगा कि वो भी साथ में लेकर के ये कार्य अभी हमने चालू किया है। अब खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि केवड़िया से आई है। केवड़िया के एकता नगर में आदि बाजार की शुरुआत करवाई गई है।
गुजरात राज्य के आदिजाति विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निमिषाबेन सुथार की ओर से आदि बाजार की शुरुआत करवाई गई। 26 मार्च से 5 अप्रैल तक ये आदि बाजार चलेगा, जिसमें आदि जाति समाज की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। करीबन 100 जितने स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और भारत के 10 राज्यों से आदिवासी समाज यहाँ पर आया हुआ है और उनकी ओर से जो चीज़ें तैयार की जाती है उसका बाजार ये आदि बाजार में लगाया गया है। ऑर्गेनिक वस्तुओं के साथ जो आदिवासी संस्कृति है उसको बचाने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। तब राज्य कक्षा के मंत्री निमिष बेन सुथार की उपस्थिति में जो आदि बाजार शुरू हुआ उसके बारे में ज्यादा जानकारी राज्य कक्षा के मंत्री ने ही दी थी। एकता नगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते ट्राई फेयर ने शुरुआत करी छे। जे आदिवासी भाइयों बहनों छे अलग अलग राज्य माथी जे बधा आवेला छे, પોતાનો જે હુનર છે, પોતાનો જે કૌશલ્ય છે, પોતાની જે આવડત છે, એ આવડતને એક સ્ટેજ અહીંયા મળે છે અને સ્ટેજ મળે છે એમનાથી લોકલ જે લોકો જે છે પોતાની વસ્તુ જે બનાવે છે એને અહીંયા એક અલગ સ્ટેજ આપીને 11 દિવસ સુધી આ પ્રદર્શન સાથે મેળાનું આયોજન છે અને અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી જ્યારે લોકો આવતા હોય છે ત્યારે પોતાની અલગ અલગ સંસ્કૃતિ છે એને પરિચિત બને છે, માન સન્માન મળે છે, એની સાથે દુનિયામાં પોતાનું એક નામ પ્રસિદ્ધ કરવા માટેનો મોકો જ્યારે ટ્રાઇફેડના માધ્યમથી મળતો હોય ત્યારે મને એવું લાગે છે કે એના એકતા સ્ટેડિયમ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જ્યાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબે જ્યારે એકતાની જ્યારે વાત કરી હોય, દુનિયામાં સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબનું જ્યાં બન્યું છે અને ત્યાં અહીંયા જ્યારે આજે આજથી જ્યારે 26 તારીખથી આયોજન કર્યું છે, 11 દિવસ સુધી સતત આ પ્રદર્શન શરૂ રહેવાનું છે, આજુબાજુ વિસ્તારના તમામ લોકોને અહીંયા આવવાનો અવસર મળે છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાનો અવસર મળશે અને પોતાની જે આવૃત્તિ છે, પોતાની જે કલા અને સંસ્કૃતિ છે એને પરંપરાગત રીતે જે સંસ્કૃતિને જાળવવા માટે પરંપરાગત જે સિદ્ધિઓ જે છે એને વારસો આપવા માટે શરૂ રાખવા માટે એક આ સ્ટેજ પૂરો પાડ્યો છે અને દુનિયાના માધ્યમમાં આ ટ્રાઇફેડ એટલે ખૂબ મોટી વાત છે। પહેલાં ખાલી દિલ્હી ખાતે થતો હતો, દરેક હવે જ્યારે આદરણીય રામસિંહ રાઠવા સાહેબ જ્યારે ટ્રાઇફેડના ચેરમેન બન્યા છે, પૂરેપૂરા ભારત વર્ષમાં દરેક રાજ્યમાં આ કાર્યક્રમ થકી સંસ્કૃતિને ઉજાગર બનાવવાનો પ્રયત્નશીલ રહેવાના છે। खबर पादरा से आई है। पादरा में राम स्नेही समाज की ओर से परम पूज्य कोमल राम जी महाराज की तीसरी पुण्यतिथि धार्मिक तौर पर मनाई गई थी। आपको बता दें कि राम स्नेही समाज के बड़े महान संत माने जाते हैं कोमल राम जी महाराज और उनकी तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर धार्मिक आयोजन किया गया था। पादरा के गांधी चौक में ये आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ दिव्य सत्संग आयोजित किया गया था और इस मौके पर खास तौर पर राम प्रसाद महाराज की उपस्थिति वहां पर देखी गई थी। आज पादरा ना हमारा संत ये मारा पहला ना गादीपति संत श्री कमल राम की त्रीजी पुण्यतिथि ना निमित्ते खास करीने आज सत्संग राम जप अने आ प्रसादी नो कार्यक्रम राखवा मां आवे छे। संत नो जीवन हमेशा परोपकारमय होय, बीजाना कल्याण माटे होय। મારા સંત કમલરામજી અહીં 20 વર્ષ રહીને અને સત્સંગને સાચવી અને ભક્તોને રામનામની પ્રેરણા આપી અને ભક્તો તરફથી આજે એમને હૃદયપૂર્વક ભક્તો તરફથી ટ્રસ્ટ મંડળ તરફથી આરતી મંડળ તરફથી મહિલા મંડળ તરફથી અને સર્વ ભક્તો દ્વારા આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી અને સંતના જીવનનું મહત્વ શું છે એ સત્સંગ દ્વારા બતાવવામાં આવ્યું કે સંતનું જીવન પરમાર્થમાં હોય, ઉપકારમાં હોય, જનકલ્યાણ માટે હોય અને જનકલ્યાણ માટે સંતનો કાર્ય કરતા હોય આ કાર્યક્રમ માટે। दिल्ली के बाद पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। तब आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हो रहे हैं, तब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अब सक्रिय दिख रही है। ये तस्वीरें पादरा से आई है। पादरा में दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आम आदमी पार्टी पादरा संगठन की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया था। पादरा के फूलबाग से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई थी और पूरे पादरा नगर में ये तिरंगा यात्रा घूमी थी।
आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल्ली और पंजाब समेत जिस तरह से आम आदमी पार्टी आम जनता के बुनियादी सुविधाएं और साथ ही में शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही है, उसी तरह गुजरात में भी उसी तरह काम करने की बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से इस तिरंगा यात्रा के दौरान कही गई थी। दिल्ली अने पछी पंजाब थी जे आम आदमी पार्टी नो ज्वलंत विजय थयो छे अने आवनारी गुजरात नी अंदर विधानसभा नी चूंटणीओ मां पण मफत शिक्षण आरोग्य अने वीजळी माटे એ જે સુવિધા દિલ્હી અને પંજાબમાં મળે છે તે સુવિધા અહીંયા પણ લોકો સુધી પહોંચે તે માટે અને પંજાબના વિજયના ઉત્સાહ રૂપે આજે અમે પાદરા તાલુકાના વિધાનસભાના પ્રભારી તેમજ સંગઠનના મહામંત્રી સંગઠન સહમંત્રી અને કાર્યકરો સાથે આજે તિરંગા રેલીનું આયોજન કરેલું છે। ये थी अब तक की खबरें, कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक बीआरजी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।